अभी हम चारों लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गए हैं। अभी घर में लाइट जल रहा है इसलिए आप लोगों को नहीं लग रहा होगा कि इस समय टाइम क्या हो रहा है। तो गाइज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय बज रहे हैं सुबह के 5, लेकिन घर में लाइट होने की वजह से पता नहीं चल रहा है कि सुबह के 5 बज रहे हैं। तो इतनी सुबह सुबह तैयारी करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये आप लोगों को बताऊंगा आज के इस ब्लॉग में। तो गाइज अभी हम लोग कोल्हापुर में है, कोल्हापुर में माँ लक्ष्मी मंदिर काफी फेमस है और नवरात्रि में वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है और लोगों की श्रद्धा बहुत है, तो नवरात्रि में लोग वहाँ पे दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो आज हम लोगों ने भी तैयारी की है और हम लोग यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के सुबह के 5 बजे निकल रहे हैं। तो रास्ते का क्लिप, मंदिर का क्लिप, ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग कैसा लग रहा है बच्चे लोग, आप लोगों को नींद आ रही है? पीहू की नींद पूरी नहीं हुई, जल्दी उठना पड़ा इसलिए नींद आ रही है आपको? ओके, बट हम लोग काफी एक्साइटेड है सुबह सुबह पैदल चल के माँ लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए। गाइस आप देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे ही हमारे घर में क्षमा जल्दी जल्दी उठ के पूजा वगैरह कर ली, तो सुबह का जो काम है पूजा पाठ का वो सारी चीजें विधिवत हम लोगों ने कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी उठे हैं तो सिर्फ हम लोग मंदिर के लिए ही निकल रहे हैं, तो घर के सारे काम वगैरह ये सब भी प्रॉपर करके और अभी हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं। सर चौक वाला रोड है, देखो 5 बजे का सीन इधर से। तो गाइज अभी हम लोग न्यू वासीनाका से निकल चुके हैं और अभी हम लोग क्रसर चौक वाले रोड पर हैं और क्रसर चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अलावा रोड पर काफी श्रद्धालु जाते हुए दिखे हमको, काफी लोग नंगे पांव चल रहे थे, सुबह का समय था तो मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग निकले हुए थे। काफी श्रद्धालु सुबह सुबह दर्शन करके वापिस भी आ रहे हैं और अभी हम लोग महाद्वार रोड पर पहुंच गए हैं और महाद्वार रोड से ये मंदिर का जो गेट है और काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है और काफ़ी भव्य लग रहा है। और सुबह सुबह आप मंदिर के सामने का दृश्य देख सकते हैं, लोग माला फूल नारियल इत्यादि बेच रहे हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ गेट के बाहर ही दिख रही है कि उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवरात्रि में महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं की क्या कितनी अपार श्रद्धा है। मंदिर में सुरक्षा की भी काफी कड़ी व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं गेट पे स्कैनर्स वगैरह भी लगाए गए हैं। लेडीज का अलग लाइन आप मंदिर में देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लाइन लगाने के बाद 2-2.5 घंटे लगेंगे दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने सिर्फ मुख दर्शन किया, मुख दर्शन करने के बाद अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर भी आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं, चलने के लिए जगह नहीं मिल रही है और काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रहा है। तो गाइज अभी हम लोगों ने माँ लक्ष्मी माँ का मुख दर्शन किया, मुख दर्शन करने के बाद अभी हम लोग गेट से बाहर आ चुके हैं। गेट से बाहर का भी नज़ारा आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले दोनों तरफ के रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हैं, बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो नवरात्रि में महालक्ष्मी मंदिर में
सुबह 4 बजे से ही अपार भीड़ हो जाती है और ऐसा पूरे 9 दिन तक रहता है। फिर भी लोगों की अपार श्रद्धा है और लोग दर्शन करने जाते हैं। तो गाइज यहीं पे आज का ये ब्लॉग कर रहे हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा।